किसान भाइयों, ये कुबोटा ME4501 अभी एक हफ्ता पहले आया है, नया ट्रैक्टर है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर ट्रैक्टर है, पावर के रही है। किसान भाइयों, मैं आज मसूरी गांव में हूँ और ये हमारे चोई साहब हैं। थोड़ा अपना परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम जी पुष्पेंद्र सिंह, सन ऑफ कृष्णपाल सिंह, ग्राम मसूरी, जिला मेरठ। तो ये इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर था आपका? इसके बाद जॉन डियर 50-45। अच्छा था वो? हाँ, कितने दिन रखा? वो 4 साल। क्यों बेच दिया? अच्छा नहीं था? नहीं, अच्छा था वो। जो जॉन डियर या कुबोटा चला लेगा तो या तो कुबोटा चलाएगा या फिर जॉन डियर, तो इस बार सब नया ले लिया। हाँ जी, वो बेच दिया। हाँ जी, मतलब ठीक था वो भी? बढ़िया था ट्रैक्टर, मतलब आपने जोड़ी मिला दी दोनों। हाँ, अब ये था कि छोटा कुबोटा तो बड़ा कुबोटा ही ले लेंगे। तो ये अभी एक हफ्ता पहले आया? हाँ जी, एक हफ्ता। तो कितने का पड़ गया है ऑन रोड ये जी? 86 का। 86 का मेरठ से लिया? हाँ जी, मेरठ से। तो चलाने में इस पे जी लगता है, जॉन डियर पर लगता है? नहीं, इस पे लगता है। इस पे लगता है? सिस्टम तो सब एक सा लग रहा है। सिस्टम तो थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी उसकी टंकी की वजह से फिट बड़ा कर। हाँ नहीं, टंकी नहीं, इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा है, सस्पेंडेड पेडल है, गियर बॉक्स सिंक्रोमैक्स है इसका पूरा। इस पे जी लगता है? गियर अच्छे हैं इसके, बहुत बढ़िया है। ये 4 सिलेंडर में 3 में? 4 सिलेंडर। एक बार स्टार्ट करिए, हवा सुनो तो ऊपर बैठ के। शानदार आवाज है, आवाज बहुत बढ़िया। तो बाकी बहुत बढ़िया आवाज है, किसी ट्रैक्टर की नहीं है ऐसी आवाज भाई। ये पावर स्टेयरिंग है और आप इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए, ये पढ़ लीजिए। ये 14 के टायर है? 14 के टायर हैं। अगले 750 के। ये कितने HP में? 45 HP में जी, और PTO पावर 41 है जी। अच्छा अच्छा, तो जॉन डियर की 38 थी, 45 की। किसान भाइयों, हर पार्ट्स बहुत मजबूत दिया कंपनी ने इसकी। ये हाइड्रोवार पट्टी, लिफ्ट वगैरह सब देखिए, ज़बरदस्त हैं। टॉपलिंग और खुली जगह है, बहुत अच्छी, परिवार के 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है जी ट्रैक्टर, बहुत बढ़िया चलाने में मज़ा आया ट्रैक्टर। इसे ही कह रहे हैं आप? हमारे गांव में सबसे पहले जॉन डियर मेल आया था जी। अच्छा, तो उस टाइम ही बोलते थे तेल का पंपा है ये, तो जॉन डियर चला के, तो फिर जॉन डियर का मजा आता। पर इस बार मैंने छोटा कुबोटा लिया फरवरी में, तो कुबोटा चला के जॉन डियर है, पर कुबोटा भी कुबोटा है, मतलब उसे हर चीज़ में टक्कर दे देगा, तेल का एवरेज इसका अच्छा है। अच्छा, ये बढ़िया है। अब जरा छोटे के बारे में बताओ। किसान भाइयों, ये है छोटा कुबोटा B24 ये कितने HP का? ये 24 HP का। ये 24 HP में 3 सिलेंडर होगा? 3 सिलेंडर। जैसे 4x4 है, आप इस खेतों में काम करते हो तो कोई लोड मानता हो या? नहीं जी, ये हमने ट्रेंच के लिए लिया है, 5 फीट पर गन्ना बोते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हर चीज़ में परफेक्ट है, कामयाब है। बढ़िया लगा? हाँ जी, बढ़िया लगा। रूटर वेटर भी और स्प्रे के लिए। अच्छा अच्छा, कितने घंटे चल गया होगा ये? चल गया 206 घंटे। एलेक्स पढ़ो भी चला है, तो गन्ने से अलग और तो कुछ काम करते हैं? नहीं जी, और कुछ नहीं करता। अच्छा, ये जाली लगवाई है? हाँ, ये पत्ते वत्ते ना लगे जी इसमें, इसका निशान नहीं। और यहाँ और लगवाओ साइड में शीशा वगैरह? हाँ जी, वो बोल रखा है मिस्त्री को भी, टाइम पंखा वंखा सब पूरा जुगाड़। तो सीजन ही चला गया। तो ईंख आप भी बाढ़ रहे हो अपनी? अब जी स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा, अंदर बाढ़ना पड़ता है जी? अच्छा जी। किसान भाइयों, ये इसके यंत्र हैं, एक बार सेल्फ मारियो इसकी भी। इसे गेयर में निकालना पड़ता है। क्या शानदार आवाज, बहुत बढ़िया। और इसके जरा यंत्र और दिखाओ कौन कौन से हैं। इसका ये तो मिट्टी चढ़ाने के लिए है। इसको भी ये उठाता है? हाँ जी। लग नहीं रहा है तो बहुत भारी सामान है। कम से कम 1.5 फीट मिट्टी चढ़ा देता है जी। अच्छा है, लोड नहीं मानता बिल्कुल? ना, लोड नहीं। अच्छा अच्छा, बगैर 4x4 के तो चलेगा नहीं। अच्छा अच्छा, 4x4 लगा के कोई लोड नहीं। तो ये कितने का तैयार हुआ था ये जी? 23,000 का। 23,000 में
ये उसके लिए बढ़िया है, जो बीच में वो डोल छोड़ दे ना, ये तवा उसे मिट्टी दे दे, ये उसे दे दे। ये खोदता है, मिट्टी पर फेंकता है, ये ऊपर फेंकता है। और ये तो दूसरे ट्रैक्टर का होगा, ये कल्टीवेटर है जी इसका। तो इसे अच्छा खींच ले, जैसे लंबे फुटे हैं इसके, बहुत बढ़िया। ये कितने का तैयार हुआ? ये 8000 रुपये का। ये 8000 का। और भी है इसके यहाँ? और दिखाओ जरा। ये रोटावेटर हो गया इसका। अच्छा, रोटावेटर हो गया। इसको चला ले। हाँ जी, तो बढ़िया डोली काटा, बड़े से बड़े, बड़े ट्रैक्टर की तरह का लग रहा है देखने में। अच्छा ही। और एक स्प्रे की मशीन। तो ये कितने में तैयार हो गया था? ये 12000 में। मतलब ट्रेंच में आवश्यकता पड़ती है इसकी। इसको ट्रेंच में आवश्यकता पड़ती है। और ये क्या? ये मिट्टी चढ़ाने का था, पर ये फेल है। वो अच्छा है। हाँ जी, वो उसी। हाँ, ये मिट्टी चिपका हुआ है तो पेट खाली छोड़ता है। अच्छा, इसमें गन्ना गिरता है। मतलब आपका मतलब ये है कि इससे अच्छा वो है? हाँ, वो मिट्टी उठा के फेंकता है भाई। ये देखिए ट्रंच में, इसमें इसमें क्या कमी रह जा? ये जी मिट्टी चिपकाता है, ये पेट नहीं भरता। अच्छा, और वो मिट्टी उठा के फेंक के आया तो गन्ने के उसमें मिट्टी फेंक दिया तो उसमें पेट भर जाए, उसका गिरता नहीं। तो किसान भाई जो है मतलब ये है इसे ना लेगा उसे बनवा। हाँ, ये मैंने पहले ले लिया था, 10 बीघे में मिट्टी चढ़ाई, फिर मुझे फेल लगा, फिर मैं बोला। ये कितने का पड़ा था? ये जी 15000 का। ये 15000 का है भाई, ये उससे ये अच्छा है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें जुताई हो ना हो, घास खड़ा हो, इसमें कोई आवश्यकता नहीं जुताई की, नमी हो। हाँ, बारिश पड़ गई हो, ये घास भी काटता रहेगा और मिट्टी चढ़ा दे, उछाड़ दे ऊपर पूरी। हाँ, ये कितने पड़ी थी बताइए? ये 23000 पड़ी थी। तो मेरठ में कहाँ मिलती है ये? मित्तल वाले की सबसे बढ़िया जी। अच्छा, मित्तल वालों के यहाँ। और भी है कुछ भाई? जो ये है स्प्रे मशीन छोटे ट्रैक्टर की, ये कितने आएगा पानी, इसमें कितना लीटर? इसमें जी 200 लीटर पानी है एक एकड़ के लिए। और ये सबसे कामयाब है क्योंकि अब गन्ना मैं गोले के कम से कम 13-14 फुट का हो रहा है। अच्छा। तो उसमें भी वो छोटा ट्रैक्टर लेके ऐसे घुस जाएगा, इसके ऊपर ट्रैक्टर की छतरी पे बैठ जाओ। और मेनली जो पोका बोइंग है इस टाइम गन्ने में। अच्छा। जो ऊपर से सूख रहा है, हम सोच रहे हैं कीड़ा खा रहा है, पत्ती में जो छेद हो रहा है वो पोका बोइंग है, उसके उसमें स्प्रे ही कामयाब है। और उसके स्प्रे के लिए ये ही कामयाब है। अच्छा अच्छा अच्छा। या तो जैसे किनारे पे थाम लो तो कोई डंडा बांध दो उसमें? ना, कोई जरूरत नहीं इसमें। और? इसमें हमने 2 गन लगवा रखी है, तो 100 मीटर का पाइप है। अच्छा। और एक हमने 5 मीटर का पाइप लगवा रखा है। अच्छा, ये अलग से है। इसे जोड़ के ट्रैक्टर पे चढ़ के उस छोटे ट्रैक्टर की छतरी पे बैठ जाओ, मतलब बैठ जाएगा। हाँ जी, बैठ जाएगा, इतनी मजबूत। नीचे पानी कट जाए? हाँ जी, नहीं निकले, बहुत मजबूत। ऐसे ही करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब ऊपर बैठ कर आराम से? आराम से ऐसे ऐसे 5 कूड़ेंगे और 5 इंगे ट्रैक्टर चलाते रहो। धीरे धीरे ड्राइवर ट्रैक्टर चलाता रहेगा। तो जैसे वो दवाई सीर वगैरह पड़े ऊपर, कोई दिक्कत नहीं? वो तो जी हम तो पेड़ों के ऊपर मार रहे हैं ना, मतलब वो तो। अच्छा। हम तो 10-12 फुट से मार रहे हैं ऊपर चढ़ के, मतलब वो जो लंबाई है उस पर बैठो तो 12 फुट के करीब हो गया। 12 फुट तो आराम से ऐसे 4-5 कूड़ेंगे, 5 फुट के 4-5 इंगे। तो कितनी बार करनी पड़ती है स्प्रे? देखो जी, पोका पोइंग का जो कोई भी दवाई है रिजल्ट है 15 दिन का। 15 दिन आज कर दी तो 15 दिन तक तो नहीं आएगी, जैसे ही उसकी फेवरेबल कंडीशन होगी दोबारा आएगी, तो दोबारा करनी पड़ेगी। जो 28-30 इंच पे बोते हैं वो तो कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते वो तो। उनका गन्ना तो वही कारण है, उनका गन्ना अच्छा नहीं कर पाता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये ट्रंच भी दी आप बो रहे हो 4.5 फुट पर होना चाहिए? 5 फुट पे। अच्छा, कुछ लोग 4.5 पे बो रहे, कोई गलत है जी, क्योंकि छोटा ट्रैक्टर हमारा 39 इंच अगर ये इस्तेमाल करना मजा नहीं आएगा। तो भाइयों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपको कोई भी यंत्र चाहिए इसकी मैंने कीमत भी बता दी है, और मित्तल वालों के मेरठ वालों के यहाँ मिल जाएगा। कुछ मित्तल वालों के मिल रहे हैं, कुछ कहीं और से। ये कितने की पड़ गई थी? ये जी 28000। छूट भी मिली नहीं इसमें? कोई छूट? अच्छा, नगद? नगद, मतलब छोटे यंत्रों पर इस पर वो नहीं है छूट? नहीं। बहुत बढ़िया, नमस्कार। बढ़िया ट्रैक्टर है कुबोटा MU 4501, और ये छोटा भी है इनके पास। इन्होंने जोड़ा मिला लिया अपने ट्रैक्टरों का, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र के यहाँ आज मसूरी गांव में हूँ। और भाइयों, ये इनका एक घेर है और है, बाड़ा बोलते हैं, बहुत अच्छे मौके की जगह है, खेत था इनका यहाँ। और ये इनकी अपनी कोठी है, और इधर मेन गेट है।